नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की कंप्लीट प्रोफाइल की मास्टरी आपको हो जाएगी और साथ में आपको ये पता लगेगा कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की प्रोफाइल को रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, साथ में नोट्स बनाना, ईयरफोन लगा के जरूर सुनना, क्योंकि ये कंप्लीट मास्टरी करवा देगा आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की प्रोफाइल की। तो शुरू करते हैं दोस्तों। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की शुरुआत एक नेचुरल प्लांट एलोवेरा से हुई थी, यानी कि एक ऐसे पौधे से शुरुआत हुई थी जो पूरी दुनिया जानती है, आज भी जानती है, आज से हजारों साल पहले भी जानती थी। एलोवेरा पे जितनी रिसर्च हुई है उतनी किसी भी दूसरे पौधे पे रिसर्च नहीं हुई। एलोवेरा को चमत्कारिक पौधा बोला जाता है। एलोवेरा एक ऐसा कुदरती पौधा है जो इंसानी शरीर को सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन देता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा पोषक तत्व देता है। तो फॉरएवर की शुरुआत इसी नेचुरल प्लांट से हुई थी। इसके अंदर इतने गुण हैं कि कोई भी इंसान अगर इसको रेगुलरली ले तो वो हमेशा हेल्दी रह सकता है, हमेशा फिट रह सकता है। फॉरएवर की शुरुआत मोस्टली इसी पौधे से शुरुआत हुई थी, साथ में इन्होंने शहद के ऊपर भी रिसर्च करी। यानी कि दो नेचुरल ऐसे इंग्रेडिएंट, एलोवेरा एंड शहद, इन दोनों पे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की 13 मई 1978 को शुरुआत हुई। ये दो प्रोडक्ट थे मेजरली। आज पूरी दुनिया के अंदर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को द एलोवेरा कंपनी का खिताब मिला हुआ है, यानी कि आर्टिकल मिला हुआ है। इस कंपनी के प्रमोटर मिस्टर रैक्स मोनसर ने सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट पर फोकस किया था कि अगर हमारा प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी का होगा तो हमें कभी भी एडवर्टीजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी बात से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ट्रेडिशनल में ना जाके डायरेक्ट सेलिंग के अंदर गई, और जैसा सोचा वो हकीकत हुआ, क्योंकि आज फॉरएवर बिना किसी विज्ञापन के 168 कंट्री के अंदर चल रही है। वो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है दोस्तों, 1% भी एडवर्टीजमेंट नहीं होने के बावजूद भी पूरी दुनिया के 168 कंट्री, बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। 13 मई 1978 जब रैक्स मोनसर ने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की शुरुआत करी तो इनकी दो लाइनों के साथ शुरुआत हुई थी कि इस पूरी दुनिया के अंदर कोई बेरोजगार ना रहे, कोई बीमार ना रहे, और ये दो लाइनों को फॉलो करके फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की शुरुआत हुई थी। इतने लोगों की मैनेजमेंट थी जब फॉरएवर की शुरुआत करी, इतने लोगों की मैनेजमेंट बन के फॉरएवर की शुरुआत हुई थी दोस्तों। मज़े की बात यह है कि जितने लोगों ने शुरुआत करी थी, जो मैनेजमेंट बनी थी, वो मैनेजमेंट आज भी सेम है। इस बात से पता लगता है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का जो मार्केटिंग प्लान है, जो स्ट्रेटेजी है, वो कितनी ट्रांसपेरेंट है। एक भी व्यक्ति लड़ाई करके बाहर नहीं निकला। तो ये है ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग प्लान, ट्रांसपेरेंट मैनेजमेंट। अगेन आपको बोलता हूं दोस्तों, आप सोच के देखिए, 168 कंट्री एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, बिना किसी विज्ञापन के 168 कंट्री बहुत बड़ी बात होती है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का जितना भी प्रोडक्शन होता है वो एक छत के नीचे होता है, यानी कि जितना भी प्रोडक्ट बनता है फॉरएवर के खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के अंदर बनता है। इसीलिए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को वर्टिकली इंटीग्रेटेड बोला जाता है दोस्तों, यानी कि सारा प्रोडक्ट एक ही छत के नीचे बनता है। और दोस्तों बोला जाता है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इतनी बड़ी है कि अगर कोई व्यक्ति प्रैक्टिकली देखे तो उसको 3 महीने यानी कि 90 दिन लग जाते हैं, इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। फॉरएवर का हेड ऑफिस है जहां से फॉरएवर पूरी दुनिया का मैनेजमेंट करती है। फॉरएवर का पहले साल का टर्नओवर था 5 करोड़ रुपए का। जब शुरुआत हुई थी, बड़ी सिंपल बिगनिंग थी, बड़ी हम्बल बिगनिंग थी, पहले वर्ष का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए का था, ये स्टार्टिंग थी। और बढ़ते बढ़ते 2020 तक 26,000 करोड़ के टर्नओवर को क्रॉस कर चुके हैं दोस्तों, बिना किसी विज्ञापन के। इस बात से पता लगता है कि फॉरएवर की प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है, कितनी बेहतरीन क्वालिटी है। फॉरएवर जिस जगह पे जाता है, जिस देश के अंदर जाता है, वहाँ पे खुद का परचेज करके बिल्डिंग, उसके अंदर हेड ऑफिस बनता है,
यानी कि वर्ल्ड वाइड जितने भी हेड ऑफिस है फॉरएवर के, खुद के हेड ऑफिस है। आप मल्टीपल कंट्रीज के आप देख रहे हैं, ये जितने भी हेड ऑफिस है फॉरएवर की खुद की बिल्डिंग्स है। कुछ कंट्रीज की मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है हमारा भारत का हेड ऑफिस, एक प्राइम लोकेशन, एक अच्छी लोकेशन के अंदर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का हेड ऑफिस बना हुआ है, बांद्रा वेस्ट के अंदर, जहाँ पे पूरे इंडिया का मैनेजमेंट होता है। इंडियन स्टोरी की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ने कदम रखा था इंडिया के अंदर सन 2000 के अंदर। आज 22 साल कंप्लीट कर चुके हैं फॉरएवर। 19 स्टेट के अंदर फॉरएवर के ऑफिस है, 60 से प्लस फॉरएवर के पास मोनोपोली और पेटेंटेड इंडिया के लिए प्रोडक्ट है दोस्तों। 3,800 लोग मिलीनियर्स बन चुके हैं, हजारों लोग गाड़ियों के सपने पूरे कर चुके हैं। ये इंडिया का मैप देख रहे, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां फॉरएवर गया ना हो। हर कोने को फॉरएवर कवर कर चुका है, हर जगह को कवर कर चुका है, आप देख सकते हैं। फॉरएवर वर्ल्ड लीडर है एलोवेरा के अंदर और शहद के अंदर, पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ी कंपनी है। एलोवेरा की अगर मैं बात करूँ 85% मार्केट है, और शहद की बात करूं तो 75% मार्केट फॉरएवर के पास है। यानी कि फॉरएवर के बराबरी इन दो प्रोडक्ट में कोई नहीं कर सकता। सबसे बड़ी कंपनी है एलोवेरा और शहद में, इससे बड़ी कोई कंपनी नहीं है। फॉरएवर वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड किस लेवल की है आपको बताता हूं दोस्तों। 6,500 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन फॉरएवर की खुद की है, नॉन पोल्यूटेड जोन, जहाँ पे प्रदूषण का नामो निशान नहीं है, वहाँ पे प्लांटेशन किया हुआ है, वहाँ पे एलोवेरा की खेती करी हुई है। आप सोच के देखिए, खेत खुद के हैं, प्लांट खुद के हैं, इस लेवल की वर्टिकली इंटीग्रेशन, आप सोच के देखिए कि क्वालिटी किस लेवल की होगी उसकी। उसके बाद जितने भी लोग यहाँ पे पत्तियाँ काटने वाले लोग होते हैं, एलोवेरा की खेती करने वाले लोग होते हैं, वो पूरे वेल ट्रेंड होते हैं। इन लोगों को पता है कि कौन सी पत्ती को काटा जाना है, कौन सी पत्ती मेच्योर है, क्योंकि अनमेच्योर पत्ती के अंदर वो न्यूट्रिशन नहीं बनता। अगर अनमेच्योर पत्ती आ भी जाए तो पूरा लोट को रिजेक्ट कर देते हैं। एलोवेरा को कम से कम 3 साल तक कल्टिवेट करना पड़ता है, और एक ऐसी नॉन पोल्यूटेड जोन के अंदर जहाँ पे प्रदूषण नहीं होना चाहिए। और फॉरएवर पूरी दुनिया के अंदर इकलौती कंपनी है जो इतना बेहतरीन एलोवेरा बनाती है। उसके बाद हाइजेनिक रूप से एलोवेरा को वॉश आउट किया जाता है। उसके बाद एलोवेरा की जो पल्प होती है, बीच की जो गिरी होती है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि फॉरएवर आउटर लेयर का इस्तेमाल नहीं करती, अंदर की जो जेल होती है उसी का इस्तेमाल करती हैं, और इसीलिए हमारा एलोवेरा पूरे विश्व भर में फेमस है, बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाते हैं, ध्यानपूर्वक बनाते हैं, क्वालिटी को मेंटेन करते हैं। फॉरएवर के जितने भी प्रोडक्ट हैं 145 से लेकर 300 बार टेस्ट होते हैं। अब सोच के देखिए, फॉरएवर के प्रोडक्ट सबसे पहले मैनेजमेंट खुद यूज़ करता है। हमारे कोई भी प्रोडक्ट जानवरों पे टेस्ट नहीं होते, सबसे पहले मैनेजमेंट के लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम तक आता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉरएवर का खुद का है। वर्ल्ड वाइड जितना भी प्रोडक्शन होता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, सभी प्रोडक्ट्स को लगभग 150 से 300 बार टेस्ट करता है, उसके बाद प्रोडक्ट जाता है। तो जो साइड इफेक्ट का शब्द जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है, वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। फॉरएवर की ये जो बोतल आप देख रही हैं, इस बोतल ने हजारों लोगों की ज़िंदगी को बदला है। फॉरएवर इस बोतल के दम पे पूरी दुनिया में आज राज कर रहा है, और इतनी बेहतरीन कंपनी दोस्तों, आज तक पूरे वर्ल्ड के अंदर एक सिंगल दाग नहीं है फॉरएवर के प्रोडक्ट्स पे। आप देखते होंगे बहुत सारे मल्टी ब्रांड्स हैं जिस पे प्रोडक्ट को लेके बहुत सारे दाग हो सकते हैं, लेकिन फॉरएवर के किसी भी प्रोडक्ट पे कोई दाग नहीं है। 8 मिलियन गैलन्स
हर साल एलोवेरा बनता है। ये बोतल दोस्तों आपको पूरी दुनिया की शेयर करवा सकता है, ये बोतल आपके पूरे परिवार के हर सपने को पूरा कर सकता है। किस लेवल की है वर्टिकली इंटीग्रेशन आप देखिए, जितने भी बॉट कंटेनर्स, जितने भी कंटेनर्स हैं फॉरएवर के खुद के हैं, यानी कि कोई कंटेनर्स के अंदर भी छेड़खानी ना कर दे, इसलिए ये सारी चीजें ए टू जेड वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। पानी के अंदर जो प्रोडक्ट आते हैं, यानी कि पानी के जो जहाज हैं जो पूरी दुनिया के अंदर भेजे जाते हैं, वो बॉट कंटेनर्स भी फॉरएवर के खुद के हैं, इसमें भी कोई मिलावट ना कर दे। उसके बाद हमारे ऑफिस है, यानी कि हमारे प्रोडक्ट में डुप्लीकेशन की कोई गुंजाइश नहीं है, किसी भी प्रकार की डुप्लीकेशन नहीं हो सकती। ये पूरे वर्ल्ड का मैप देख रहे हैं, इसमें से मोर देन 90% हम कवर कर चुके हैं। आप सोच के देखिए, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का आप मैप देख रहे हैं, जिसमें से हमने ऑल ओवर 90% इसको कवर कर लिया। सबसे बेस्ट फॉरएवर गिविंग के नाम से एक संस्था चलती है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट नहीं, फॉरएवर गिविंग के नाम पे भी एक संस्था चलती है, जिसका मकसद है कि जो पुअर फैमिलीज होते हैं, जो सक्षम नहीं होते अपने जीवन को चलाने के लिए, उनको फॉरएवर मदद करती है। इससे हमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमें एक ऐसा कल्चर मिलता है, हमें ऐसी एक कंपनी मिलती है जिससे हमारा माइंडसेट भी अच्छी चीजों को करने का मन करता है। कहते हैं ना कि हमारी आदत हमारी कंपनी के ऊपर डिपेंड करती है, हम जिस प्रकार के माहौल के अंदर रहते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। अगर कोई 5 लोगों के साथ में रहता है, अगर कोई 4 लोग ड्रिंक करते हैं, तो निश्चित रूप से वो 5वां व्यक्ति भी कुछ महीने के अंदर ड्रिंक करना शुरू कर देगा। अगर हम ऐसी कंपनी, ऐसे कल्चर के अंदर रहते हैं, तो हमारे अंदर भी ऐसा कल्चर बाय डिफॉल्ट आ जाता है दोस्तों, क्योंकि अच्छाई जो होती है वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आती है। इसके अलावा फॉरएवर एक संस्था और रन करती है, जो राइज अगेंस्ट हंगर के नाम से वर्ल्ड वाइड मील डिस्ट्रीब्यूट करती है, और ये हर कंट्री के अंदर प्रोग्राम चलते हैं मील डिस्ट्रीब्यूशन का। इंडिया के अंदर भी चलता है, हर देश के अंदर मील डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इस प्रकार से प्रोग्राम चलते हैं। इसके अलावा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के पास 70+ लग्जूरियस रिजॉर्ट्स है दोस्तों। फॉरएवर किस लेवल की है अगर एक बार आपने समझ लिया, तो फॉरएवर एक कभी पूरा ना होने वाला एक बहुत बड़ा समंदर है, जहां से आप पूरी जिंदगी बदल सकते हैं दोस्तों। एक बहुत बड़ा समंदर है फॉरएवर। फॉरएवर के 70+ लग्जरी रिजॉर्ट्स है, जिसका टर्नओवर उस 26,000 के साथ नहीं है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको बैकबोन पता लगे कि फॉरएवर की बैकबोन क्या है। ये रिजॉर्ट्स है फॉरएवर के मल्टीपल कंट्रीज के अंदर, आप देख सकते हैं। फॉरएवर एक ऐसा माध्यम है कि जिससे हम पूरी दुनिया के अंदर, एक ऐसा हमारे पास मौका है जिससे पूरी दुनिया के अंदर हम बिजनेस कर सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया। सोशल मीडिया हर व्यक्ति यूज करता है, फॉरएवर इकलौता ऐसा बिजनेस है जहां पे आपको बिना किसी ज्यादा इन्वेस्टमेंट के पूरे वर्ल्ड के अंदर आप बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों इस अपॉर्चुनिटी को आप जरूर चेक करें, अच्छे से जांचें, परखें, ज्वाइन करें। ये बहुत बेहतरीन इंडस्ट्री है दोस्तों। थैंक यू सो मच। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना, और इसी तरीके से आपको जब भी किसी इंसान को प्रोफाइल के बारे में बताना है एज इट इज, इसी तरीके से आपको बताना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।